Hello, NEET UG aspirants and future doctors. Welcome to NEET UG Guidance YouTube channel. NEET UG Guidance is the one-stop solution provider for all your queries related to NEET UG counseling procedure and admission process. नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे जिसका नाम है नीट गाइडेंस। आज हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कर्नाटका के मॉक अलॉटमेंट लिस्ट के बारे में जो राउंड वन के लिए निकाली गई है। पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि काफ़ी बच्चे इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन ये कोई फाइनल अलॉटमेंट नहीं है। इसका जो फाइनल अलॉटमेंट निकलेगा राउंड वन के लिए कर्नाटका में ओपन कैटेगरी के लिए, ओपन सीट्स के लिए, वो 6 जुलाई 2019 को ही निकलेगा। ये केवल एक आइडिया लगाने के लिए है कि इस कॉलेज में इस ये रैंक आखिरी तक जा सकती है और इस मार्क्स पर इसका कट ऑफ जाएगा। तो केवल ये एक आइडिया लगाने के लिए मॉक अलॉटमेंट लिस्ट निकाली गई है, ये कोई भी फाइनल नहीं है। आज 4 जुलाई को ही निकाली गई है। इसका मतलब ये है कि अगर इस रैंक को देखने के बाद आपको ये लगता है कि आपकी जो रैंक है वो इस कॉलेज में लाई नहीं करती है, तो आपके पास अभी भी 2 दिन बाकी हैं, क्योंकि 6 जुलाई तक इसका लास्ट ऑप्शन है चॉइस फिलिंग का। आपके पास 2 दिन अभी भी बाकी है कि आप अपनी चॉइस फिलिंग में चेंज कर सकते हैं। जो ऊपर है आप उसे नीचे ला सकते हैं और जो नीचे है उसे आप ऊपर ला सकते हैं। आप जो ये मैं अभी टेबल आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, इसमें आप अपना प्लीज़ रैंक देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कर्नाटका मॉक अलॉटमेंट राउंड वन की जो लिस्ट निकाली गई है ओपन सीट्स के लिए। तो बढ़ते हैं सेंट जोन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, जिसकी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कट ऑफ गई है 6581, यानी 6581 इसकी कट ऑफ गई है राउंड वन के लिए। और नीट स्कोर रहेगा 606, यानी 606। अब बात करते हैं सप्तागिरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर की, तो इसकी कट ऑफ गई है 8730, यानी 8730। एंड नीट स्कोर रहने वाला है 596, यानी 596। वैदही इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर, इसकी कट ऑफ गई है 10227, और नीट स्कोर रहने वाला है इसका 590, यानी 590। एमएस रमैया मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में इसका जो कट ऑफ गया है 11567, और नीट स्कोर रहने वाला है 585। बीजीएस ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर की बात करते हैं तो 12460, और नीट मार्क्स रहने वाले हैं 582, यानी 582। ईस्ट पॉइंट मेडिकल कॉलेज बेंगलोर की अगर हम बात करें तो 12849, यानी 12849, और नीट स्कोर रहने वाला है 581। कैम्फे गोवड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बेंगलोर का कट ऑफ रहेगा 13402, और नीट मार्क्स रहने वाले हैं 579। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मेडिकल कॉलेज बेंगलोर में इसका कट ऑफ गया है 14094, यानी 14094, और नीट स्कोर रहने वाला है 577। फादर मुलर्स इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च मैंगलोर, इसका कट ऑफ रहेगा 14617, और नीट मार्क्स रहने वाले हैं 575, यानी 575। एम वी जे मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल जो कि बेंगलोर में है, इसका कट ऑफ रहने वाला है 14937, यानी 14937, और नीट मार्क्स रहने वाला है 574। एजे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर मैंगलोर में कट ऑफ रहने वाला है 14958, और नीट मार्क्स जो रहेगा 574, यानी 574। आलामीन मेडिकल कॉलेज जो बीजापुर में है, कट ऑफ रहने वाला है 15869, और नीट मार्क्स रहने वाला है 571। आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर बेंगलोर कर्नाटका में कट ऑफ रहेगा 15973, यानी कि 15973, एंड नीट मार्क्स रहने वाला है 571। जे जे एम मेडिकल कॉलेज दावणगेरी की बात करें तो 16041, यानी 16041, और नीट मार्क्स रहने वाले हैं 571। श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च सेंटर श्रीवास नगर में अगर हम बात करें तो 16080, यानी 16080, और नीट मार्क्स की अगर हम बात करें तो 571, यानी 571 रहने वाले हैं। एस एस इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर देवनगिरी की अगर हम बात करें तो 16255 रहने वाली है, और नीट मार्क्स रहेंगे 570। द ऑक्सफर्ड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर बेंगलोर की अगर हम बात करें तो इसके मार्क्स रहने वाले हैं 569, एंड क्लोजिंग रैंक जिसकी कट ऑफ गई है वो गई है 16541, यानी 16541।
एस निजलिंगप्पा मेडिकल कॉलेज एंड एच एस के हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर बगालकोट की अगर हम बात करें तो 16,569 रहने वाला है और नीट मार्क्स रहेगा 569। नवोदया मेडिकल कॉलेज रायचूर में रहने वाला है, कट ऑफ 17,366 यानी 17,366 और जो नीट मार्क्स रहेगा वो रहेगा 567। श्री देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च हॉस्पिटल तुमकुर की अगर हम बात करें तो 17,416 इसका कट ऑफ रहने वाला है और मार्क्स रहने वाले हैं 567। बसवसेरा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल चित्रदुर्गा की अगर हम बात करें तो 17,529 इसका कट ऑफ रहने वाला है और मार्क्स रहने वाले हैं 566। केवीजे मेडिकल कॉलेज सुलैया की अगर हम बात करें तो 17,839 यानी 17,839 कट ऑफ रहने वाला है और मार्क्स रहने वाले हैं 566। खाजा बांदा नवाज इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जो गुलबर्गा में है 28,851 इसका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है जो कट ऑफ रहने वाला है और नीट मार्क्स रहने वाले हैं 539। SDM मेडिकल कॉलेज जो दरबार में है उसकी अगर हम बात करें तो इसका क्लोजिंग रैंक रहने वाला है 31,139 और मार्क्स रहने वाले हैं 534। आदि चुनचुंग चांगरी की अगर हम बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बेलूर में है तो 40,278 और मार्क्स रहने वाले हैं 516 यानी 516। तो केवल ये तीन ही कॉलेज है, खाजा बांदा नवाज इंस्टीट्यूट, SDM मेडिकल कॉलेज और आदि चुनचुंगरी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस जो बेलूर में है जिनकी थोड़ा कट ऑफ लो गई है। तो आप प्लीज, आपके पास दो दिन है, 6 तारीख तक का आपके पास टाइम है, आप इस रैंक के अकॉर्डिंग अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। 6 तारीख को इसका जो ओरिजिनल जो मेरिट लिस्ट है वो आएगी, लेकिन एक हल्का फुल्का आइडिया लेने के लिए इन्होंने मॉक अलॉटमेंट राउंड 1 निकाला है ओपन सीट्स के लिए। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि इसको, इस लिस्ट को ध्यान से देखें और उसके बाद अपने सोच समझ कर ही चॉइस फिलिंग करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं www.neetugguidance.com और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, हमारा टोल फ्री नंबर है 1800-313-3989। नीट 2019 ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, ऑल स्टेट कोटा काउंसलिंग फॉर गवर्नमेंट प्राइवेट डीम्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटीज AFMC, ESIC, Medical and Dental Colleges, latest updates regarding registration and online application process, notifications, last dates, counseling process, admission procedure, choice filling, visit our website www.neetugguidance.com and call our toll-free number 1-800-313-3989. If you want to know college-wise, category-wise, detailed cutoff under All India Quota, State Quota, Management Quota and NRI Quota, visit our website www.neetugguidance.com and call us to helpline number 1-800-313-3989. If you like this video and want to see more videos like this, don't forget to press the subscribe button and the like button given below. And do press the bell icon to get the notifications of the latest videos. Thank you.